योगी आदित्यनाथ का डर अधिकारियों में कितना है, इसका एक बड़ा उदाहरण आगरा में देखने को मिला। सालों से जो सड़क नहीं बन पाई थी वो 2 घंटे में बन गई। पार्थिव शरीर पहुंचने से पहले सड़क बना पेश की गई मिसाल। ये आगरा में बनी कुछ मीटर की सड़क है। मसला ये नहीं है कि ये कितनी बड़ी सड़क है, इसकी लागत क्या है, मसला ये है कि ये सड़क 2 घंटे में क्यों बनी, किसके डर से बनी। इसी सड़क के लिए सरकारी विभाग के चक्कर लगाकर मोहल्ले के लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन अचानक ये बन गई। अब हम आपको मामला समझाते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में जिन जवानों की जान गई उसमें से एक बेटा आगरा का भी है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचने वाले थे। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, उसके पहले ये सड़क जो आपके सामने है वो कुछ ऐसी थी। कर्मचारियों ने योगी से रोड की हालत छिपाने के लिए पहले तो यहाँ एक रेड कारपेट डाला, लेकिन मामला गंभीर था तो विपक्ष ये कहता कि योगी रेड कारपेट पर चलकर शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे, इसीलिए आनन फानन में ये सड़क बनाई गई। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि 2 घंटे के भीतर ही सड़क बनकर तैयार हो गई, जबकि वो लंबे वक्त से सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। दरअसल ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन 2 घंटे में सड़क बन जाए तो हैरानी होगी। आगरा के पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार से मिलने के दौरान योगी आदित्यनाथ भी भावुक दिखे थे और वो परिवार में बच्चों से कुछ इस तरह से मुलाकात कर रहे थे। पृथ्वी सिंह चौहान के पिता से जब 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंचे थे तो उनका रो रो के बुरा हाल था। यानी अधिकारियों में योगी का डर है, उन्हें पता है अगर शिकायत मिली तो कुर्सी जाएगी, इसीलिए आनन फानन में सड़क बनाते दिखे। फिर भी सवाल है कि ऐसी तेजी उन जगहों पर क्यों नहीं जहां सीएम नहीं जाते, यानी जहां सीएम जाएंगे वहां की सड़क ठीक होगी, बाकी जगहों की नहीं। इस हेलीकॉप्टर क्रैश ने पूरे देश को झटका दिया है। आगरा में पृथ्वी सिंह की कहानी और भी दर्दनाक है। आज उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर में आगरा पहुंचेगा। सैनिक के घर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके पहले अधिकारियों ने ये सड़क बना मिसाल भी पेश की है और ये भी बता दिया है कि देश पहले सैनिकों के लिए होता है, बाद में नागरिकों के लिए। लक्ष्मीकांत शर्मा, आगरा, ग्लोबल भारत टीवी।